हाई एवरी वन वेलकम टू स्लीपिंग क्लासेस स्वागत है आप सबका एक और प्रेमिक्स के सेशन में आज हम सोल्व करेंगे पाँच क्वेश्चन इन्वायरमेंट के सॉल्व करने के बाद आप अपना स्कोर जरूर कॉमेंट्स में लिखें अगर कुछ डाउट है तो आप वो भी कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं सो so, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ दिस इज रिगार्डिंग काबू फ्यूरान आपसे पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है पहली स्टेटमेंट है इट इज एन इंसेक्टीसाइड देखिए जब भी कोई भी चीज़ के आगे साइड लग जाता है मतलब उसके उसका मरना ठीक है जैसे इंसेक्टीसाइड तो साइडल वर्ड इज़ रिलेटेड टू तो द डेथ सो तो इंसेक्टिसाइड का मतलब हुआ कोई ऐसी चीज़ जो इंसेक्ट्स को मारती है पेस्टिसाइड का मतलब हुआ कोई ऐसी चीज़ जो पेस्ट को मारती है जिसमें से इंसेक्ट्स भी एक हैं और उसके बाद आप सुसाइड भी देख सकते हैं ठीक है सुसाइड जो होता है सुई का मतलब होता है खुद से साइड का मतलब मारना तो खुद को मारना ही सुसाइड तो जो साइड वर्ड है दैट इज़ रिलेटेड टू डेथ और मारना तो पहली स्टेटमेंट है इट इज़ एन इंसेक्टिसाइड कि ये इंसेक्ट्स को मारने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं या ये इंसेक्ट्स को मारने मारता है राइट देन ओरल इंजेसन की अगर आप इसको ओरली इंजेस्ट करते हैं खाते हैं तो इट कैन लीड टू एनॉक्सिया एनॉक्सिया होता है जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ड्यू टू दैरालिसिस ड्यू टू रेस्पिरेटरी पैरालिसिस मतलब जो आपकी रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो पैरालाइज्ड है दे कैन नॉट ब्रीथ उसकी वजह से एनॉक्सिया हो गया मतलब ऑक्सीजन की कमी हो गई एंड दैट कैन लीड टू डेथ अब क्या ये जो uh, कार्बोफ्यूरान है इसका डेथ का रीज़न यही है ये पूछा गया है आपसे इन दो स्टेटमेंट्स के थ्रू राइट सो आप देखिए इसमें दोनों ही स्टेटमेंट्स हैं वो सही है तो हमारा आंसर डी हो जाता है अब कार्बोफिरॉन न्यूज़ में क्यों है देखो कार्बोफिरॉन हैज़ एक्चुअली कॉस्ड डेथ ऑफ क्लोज टू नाइन्टी फाइव हिमालयन ग्रिफॉन वर्ल्चर्स एंड स्टेपी ईगल इन असाम दे हैव डाइट ड्यू टू पेस्टिसाइड पॉइजनिंग ड्यू टू काबोफेरॉन अब वहाँ पर क्या होता है जो डॉग्स होते हैं ना दे एक्चुअली यू नो दे गो आफ्टर द केटल ऑफ दी फार्मर्स ठीक है तो उनको केटल को काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं जो फेरल डॉग्स होते हैं तो वहाँ पर जो फार्मर्स है वो क्या करते हैं जैसे कोई केटल उनका मर गया तो दे स्प्रे द बॉडी और द कैरिक विद दिस इंसेक्टिसाइड और कार्बोफिरन ताकि जो डॉग्स हैं अगर उस पर फीड करें तो वो भी मर जाएँ ठीक है अब एक तरह से तो वो डॉग्स का जो मैनस है उसको कम करने के लिए ये कर रहे हैं लेकिन इसका एक और कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि जो वल्चर्स हैं ना दे एक्चुअली फेड ऑन देट पॉइजन कैरेक्स एंड एज ए रिजल्ट दे डाइट तो तभी जो वहाँ पर वाइल्ड लाइफ स्टाफ है वो सब फार्मर्स को अवेयर करते हैं कि आप ऐसा मत कीजिए पेस्टिसाइड से उनको पॉइजन मत कीजिए क्योंकि उससे वल्चर्स भी मर जाते हैं और ऐसा ही हुआ कल्चर्स भी मर गए इनफैक्ट वहाँ पे कैरेक्टर्स भी मिला एक डॉग का और एक गोट का विच वॉज एक्चुअली लेस्ड विद काबो ठीक है बट दिस हैज कॉस्ट दी डेथ ऑफ हिमालयन ग्रिफॉन्स तो हमारे लिए ज़रूरी है हिमालयन ग्रिफोन स्टेप ईगल के बारे में जानना और काबू फिरान कैसे डेथ uh, कॉज करता है उसके बारे में जानना ठीक है और दूसरी चीज़ यह है कि जो ये वल्चर्स uh, और स्टेपी ईगल मरी हैं इनको क्रीमेट किया जाता है एक तरह से इनको जलाया जाता है इंसिनरेट किया जाता है इनको दफनाया नहीं जाता क्योंकि इन पे जो इंसेक्ट्स फीड करेंगे फिर वो मर जाएंगे एंड द पॉइजन द पेस्टिसाइड कैन एक्चुअली स्प्रेड इन टू द इन्वायरमेंट इवन मोर सो दैट इज वाई दे आर इंसिनरेटेड ठीक है सो दे वर एक्चुअली क्रीमेटेड बाई बी एन एच एस बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी स्टाफ टू प्रिवेंट पॉइजन फ्राम गेटिंग एनवायरमेंट ठीक है सो आसाम में हमारे पास क्लोज टू दो हज़ार वर्ल्चर्स है और हिमालय ग्रीफॉन में से एक है एंड इट इज लिस्टेड एज द माइग्रेटरी स्पीशीज अगर हम इंडिया में बात करें तो आपको नौ स्पीशीज मिलती हैं वालचर्स की जिसमें से हमारे पास जो चार है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है लेकिन जो हिमालय ग्रीफॉन है इसका स्टेटस नियर थ्रेटेंड है और ईगल की अगर हम बात करें उसका आई यू सी एन स्टेटस इंडेंजर्ड है ये हमारे पास ईगल है एंड दिस इज द वर्ल्चर ठीक है जो आ, स्टेपी ईगल है वो भी एक माइग्रेटरी बर्ड है जो आसाम में आती है ड्यूरिंग विंटर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज इंक्लूडिंग अफ्रीकन वंस ठीक है बट अब आप बोलोगे कि स्टेपी ईगल वहाँ पे भी आपको लोकलाइज भी मिलती हैं सिमिलरली जो वल्चर्स हैं वो भी आपको वहाँ पे मिलती हैं बट दे आर लिस्टेड एज माइग्रेटरी स्पीशीज अब देखो आ, जो काबो फिरान है एक पेस्टिसाइड है जो इंसेक्ट्स और नेमिटॉट्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है क्रॉप्स पे जैसे काबोफिर ना स्प्रेड कर दिया जाता है आ, स्प्रे कर दिया जाता है तो जो रूट्स हैं प्लांट की वो उसको अब्जॉर्ब कर लेती है और वहाँ पे कंसंट्रेट कर लेती है प्लांट के उन पार्ट्स पे जहाँ पे इंसेक्ट्स फीड करते हैं तो अगर इंसेक्ट इंसेक्ट्स फीड करते हैं उस प्लांट पे तो दे डाई ठीक है सो दैट इज़ हाउ काबोफिरॉन एज ए इंसेक्टिसाइड वर्क्स अब अगर काबो कोई गलती से इंजे इंजेस्ट कर ले जैसे बहुत लोग सुसाइड करने के लिए यूज़ करते हैं या कुछ लोग एक्सीडेंटली इसको इंजेस्ट कर लेते हैं तो ये क्या करता है एक्यूट विसरल कंजेशन ठीक है बॉडी में हमारे पास विसरा uh, हम ऑर्गन्स को बोलते हैं तो डिफरेंट ऑर्गन्स में कंजेशन कॉज करता है और पलमेनरी अडीमा देखो पलमेरी इज अ वर्ड रिलेटेड टू लंग्स तो अडीमा होता है कि फ्लूड बढ़ जाता है लंग्स में हमारे पास एयर सैक्स होते हैं जहाँ पर एयर होती है वहाँ पर फ्लूइड बढ़ जाता है तो लंग्स दे कैन नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली एंड दैट एक्चुअली लीड्स टू दी यू नो डिफिकल्ट ब्रीदिंग और अगर बहुत ज़्यादा आपने इस लेवल

और बंदा मर जाता है देखो कभी कभी क्या होता है आप इसको ब्रीद ही कर रहे हो तो भी मसल ट्विचिंग डिफिकल्ट ब्रीदिंग ये सब कुछ होगा क्योंकि ये चीजें हो रही हैं अगर ज्यादा अमाउंट में इसको इंजेस्ट कर लिया खा ही लिया आपने तो डेथ हो सकती है दैट इज ड्यू टू रेस्पिरेटरी पैरालिसिस बिकॉज कॉलिनेस्टरेस इनिबिशन कॉज करता है कार्बामेट्स हो गए और गैनो ये कुछ ऐसे पेस्टिसाइड्स हैं जो एंटी कॉलेनेस है क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है हमारी बॉडी में उसको इनिबिट करते हैं राइट सो दिस वॉज रिगार्डिंग कापो फिरान। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग एनर्जी ट्रिलोमा इंडेक्स ऑफ 2021। इसके बारे में तीन स्टेटमेंट्स दी गई हैं एंड आपसे पूछा गया है कौन सी इनमें से करेक्ट है पहली है इट इज़ रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इट मेजर्स इनर्जी सिक्योरिटी इनर्जी इक्विटी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंडिया इज रैंक्ड इन दी वर्ल्ड इनर्जी ट्रिलोमा इंडेक्स ऑफ देखो जो एनर्जी ट्रिलिमा इंडेक्स है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि नीति आयोग ने एक रिपोर्ट निकाली है स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स उसमें हमारे पास चार इंडेसेस के नाम दिए गए हैं जिसमें से एक ये एनर्जी ट्रिलिमा इंडेक्स भी है ठीक है तो मुझे लगता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एनर्जी ट्रिलिमा एज सच क्या रिप्रेजेंट करता है या वर्ल्ड एनर्जी ट्रिलमा इंडेक्स कौन निकालता है इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट और इसलिए हमने ये क्वेश्चन प्रीमिक्स में शेयर किया है पहले अगर हम इसका आंसर देखें तो इसका आंसर टू थ्री है क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं निकालता इसको वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स निकालता है ठीक है तो डोंट कंफ्यूज बिटवीन द टू और एनर्जी ट्रिलमा मेजर करता है एनर्जी सिक्योरिटी एनर्जी इक्विटी और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को ये जो तीनों है ना तीनों को एट द सेम टाइम अचीव करना काफ़ी मुश्किल माना जाता है बट दैट इज वाई दिस इंडेक्स इज देयर कि जो कंट्रीज इसको अचीव कर पा रही हैं कुछ लेवल तक ही Uh, अगर वो तभी वो देर रैंक अबव और जो नहीं अचीव कर पा रही जैसे इंडिया सेवेंटी फिफ्थ रैंक है इंडिया ने एनर्जी इक्विटी पे बहुत काम किया है लेकिन इनर्जी सिक्योरिटी और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में जो उसके पॉइंट्स हैं वो कम है राइट सो दैट इज़ वाई दी आंसर इज़ टू एंड थ्री देखो जो वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल है 2010 से इस इंडेक्स को हर साल निकाल रहा है एंड इट मेजर्स दी एनर्जी सिस्टम परफॉर्मेंसेस ऑफ 127 कंट्रीज अक्रॉस द फॉलोइंग डायमेंशनस जिसमें सबसे पहले आता है एनर्जी सिक्योरिटी एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब है कि आप अपने देशवासियों को एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं कि नहीं सिक्योरिटी में होता है कि सफिशेंट एंड रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी कि आपके पास रिलायबल है कि ये नहीं अगर हम पावर की बात इलेक्ट्रिसिटी आ रही है जा रही है ठीक है रिलायबल होना चाहिए और सफिशिएंट होना चाहिए टू रन द इकोनमी ऑफ द कंट्री एंड यू नो नॉट ओनली फॉर द करंट डिमांड बट ऑल्सो फॉर द फ्यूचर डिमांड ठीक है तो इनर्जी सिक्योरिटी मेजर uh, करता है कैपेसिटी ऑफ ए कंट्री टू प्रोवाइड सफिशियंट एंड रिलायबल सप्लाई ऑफ एनर्जी टू मीट द करेंट एंड द फ्यूचर एनर्जी डिमांड एनर्जी इक्विटी मेजर करता है कि क्या जो आपकी पावर डिस्ट्रीब्यूशन है या एनर्जी जो आप दे रहे हो अपने देशवासी वो क्या वो इक्विटेबल है इक्विटेबल में हमारे पास तीन चीजें आती हैं एक्सेसिबिलिटी अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी फॉर बोथ द डोमेस्टिक एज वेल एज कमर्शियल यूज एंड देन इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी अब ये मेजर करता है एफिशंसी ऑफ अ नेशंस एनर्जी सिस्टम कि क्या वो इन्वायरमेंट और जो क्लाइमेट पे हम डैमेज कर रहे हैं उसको मिटिगेट कर रहा है उसको अवॉइड कर रहा है कि नहीं कि जो हमारी एनर्जी के जो हमारे सिस्टम्स हैं क्या वो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल है कि नहीं ठीक है तो तीनों चीजों को ये मेजर करता है अब कंट्री कंटेक्सट डायमेंशन एक चौथा एस्पेक्ट है जैसे इन तीनों को ना इस इंडेक्स में बात करें तो थर्टी परसेंट वेटेज दी गई है क्योंकि ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है इसको टेन परसेंट वेटेज दी गई है ये बेसिकली मेजर करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशनल कंडीशन दैट इनेबल इकोनमीज टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट देयर एनर्जी पॉलिसी इफेक्टिवली राइट अब मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि इन तीनों को इकट्ठे अचीव करना काफ़ी मुश्किल माना जाता है अगर हम इंडिया की बात करें इंडिया का रैंक सेवेंटी है और इंडिया का स्कोर 53.1 है ठीक है इन इंडिया में जो हमारे पास एनर्जी इक्विटी है उसका इंडिया ने काफ़ी अच्छा अचीव करने की कोशिश की है कि वो लोगों को एक्सेसिबिलिटी देता जा रहा है अफोर्डेबल भी कर रहा है एनर्जी को बट सस्टेनेबिलिटी में क्योंकि अभी भी हम कोल पे ज़्यादा फोकस है हमारा ठीक है इवन एंड यूज़ जो हमारे पास सेक्टर्स हैं जैसे कि बिल्डिंग्स ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री ठीक है पावर में अभी भी हम रीन्यूबल एनर्जी की तरफ चले गए हैं लेकिन ये एनडीयू सेक्टर्स में अभी भी हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ नहीं गए हैं ठीक है तो इस वजह से हमारा सस्टेनेबिलिटी और एनर्जी सिक्योरिटी में लो स्कोर है राइट तो अगर तुम ये देखोगे सो अगर हम बात करें एनर्जी इक्विटी की तो इंडिया का रैंक ऊपर जा रहा है लेकिन सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी में हम अभी भी काफी नीचे हैं नेक्स्ट इज रिगार्डिंग स्टील स्लैग इसके बारे में भी आपको दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं आपसे पूछा गया है कौन सी करेक्ट है पहली है इट एन इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट ऑपटेन फ्रॉम दी स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सूरत हैज बिकम दी फर्स्ट सिटी इन कंट्री टू गेट अ प्रोसेस्ड स्टील स्लैग रोड अब ये भी अगर हम देखें तो दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं देखिए आज ही न्यूज़ में आया है कि जो सूरत की रोड है सूरत में एक रोड बनी है विच इज़ मेड आउट ऑफ स्टील स्लैग सो इट इज़ अ फर्स्ट फॉर द कंट्री दैट रोड हैज़ बीन इनागरेटेड एंड ये जो रोड है ना ये एक तरह से एग्जाम्पल है कि कैसे हम वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं वेस्ट इंटू वेल्थ का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और अगर हम स्टील स्लैग की बात करें तो स्लैग एक बायो प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट होता है uh, स्टील uh, स्लैग मतलब कि स्टील मेकिंग प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट जो कि प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग स्टील मेकिंग फर्नेस जो कि प्रोड्यूस होता है स्टील मेकिंग फर्नेसेस में ड्यूरिंग द सेपरेशन ऑफ मोल्टन स्टील फ्रॉम दी इम्प्योरिटीज़ ठीक है तो स्लैग जैसे कि मैंने बाय प्रोडक्ट होता है स्टील स्लैग हो गया स्टील मैन्युफैक्चरिंग से जो बायो प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट बन रहा है ये बेसिकली एक मोल्टन लिक्विड मेल्ट होता है मतलब मोल्टन स्टेट में होता है एंड इट इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सिलिकेट्स एंड Oxides that solidify upon cooling, right? In fact, ना, जो ये स्टील स्लैग uh, है, है कभी कभी ये सीमेंट्स बनाने में यूज होता है एग्रीकल्चर में इसके डिफरेंट यूजेस हैं राइट देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज द रिपोर्ट टाइटल्ड बायोडाइवर्सिटीज बाई ट्वेंटी ट्रांसफॉर्मिंग सिटीज है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जिसको हम सी भी कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल या कॉन्जर्वेशन इंटरनेशनल तो इन चारों में से कौन सा सही आंसर है इसका आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देखिए जो ये रिपोर्ट है ये बेसिकली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और गवर्नमेंट ऑफ कोलम्बिया की एक कोलाबरेशन है और ये जो रिपोर्ट है ये सिटी गवर्नमेंट्स को बिजनेसिस को और लोगों को सपोर्ट करती है कि वो ऐसी चॉइसेस बनाए ऐसी चॉइसेस मेक करें जिससे कि जो सिटीज हैं वो नेचर के साथ हारमनी में एग्जिस्ट करें क्योंकि अर्बन पॉपुलेशन हमारी बढ़नी ही बढ़नी है सो वी नीड सिटीज दैट एग्जिस्ट इन इन हारमनी विद द नेचर सो दैट इज वाई ये रिपोर्ट आपको एक तरह से सिटीज के रिलेशन को कैसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ताकि वो नेचर के साथ कोलेबरेशन में हो नेचर के साथ हारमनी में हो वो हमें ये रिपोर्ट बताती है एंड इट एक्चुअली प्रोवाइडस अ विजन फॉर सिटीज़ ऑफ़ द फ्यूचर दैट प्लेस नेचर एट दार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड इन्फ्रा इन्वेस्टमेंट्स और ये रिपोर्ट बिल्ड करती है ऑन दर्क ऑफ डब्ल्यू ई एफ की एक और रिपोर्ट थी न्यू नेचर इकोनमी रिपोर्ट सीरीज उसके ऊपर ये बिल्ड करती है ठीक है तो आपको क्वेश्चन आ सकता है बायोडाइवर्सिटीज बाई ट्वेंटी थर्टी में क्या किस चीज़ की बात करते हैं और ये किसने निकाली है सो यू शुड बी नोइंग अबाउट इट राइट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज अ वेरी सिंपल वन विच ऑफ द फॉलोविंग इज नॉट वन ऑफ द मिशन ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज नेशनल सोलर मिशन नेशनल मिशन फॉर इन्हैंस्ड एनर्जी एफिशियंसी नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिट नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कॉम्बैक डिजर्टिफिकेशन तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन इसका सही आंसर है हमारे पास डी क्योंकि जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है इसमें हमारे पास आठ मिशन हैं 2008 में ये आया था सो so, उसमें हमारे पास सोलर मिशन है इन्हैंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी है सस्टेनेबल हैबिटेट वाटर सस्टेनिंग दी हिमालयन इकोसिस्टम, ग्रीन इंडिया सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड स्ट्रेटिजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज तो ये आठ के आठ मिशन में आपको पता होने चाहिए राइट दीज आर दी एट मिशन विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये एन का पार्ट है राइट सो दैट वॉज रिगार्डिंग टू डेज प्रीमिक्स आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा अगर है तो आप कॉमेंट्स में लिखिए और अपना स्कोर भी जरूर कॉमेंट्स में बताइए उसके बाद अगर आप मेन्स अटेम्प्ट uh, कर रहे हैं या आप पी एस आई आर का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं मेन्स आंसर राइटिंग का और टेस्ट uh, सीरीज का तो आप हमारी वेबसाइट पर कर सकते हैं सो दिस इज दी प्राइस एंड यू कैन कॉल एट दिस नंबर और अगर आप जी एस का कोर्स ज्वाइन कर सक uh, करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है सो यू कैन द टोली कोर्स विच इज फॉर इलेवन ट्रिपल नाइन या फिर आप आंसर इवेल्यूएशन का uh, साथ ज्वाइन कर सकते हैं विच इज फॉर फोर्टीन ट्रिपल नाइन या मेंटरशिप के साथ ज्वाइन कर सकते हैं विच इज फॉर ट्वेंटी फोर ट्रिपल नाइन राइट तो इसमें जो जो है दैट इज प्रोवाइडेड है और अगर आपको कोई भी क्वेरी है कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर दैट इज वन एट डबल जीरो एट नाइन जीरो थ्री जीरो फोर थ्री कॉल कर सकते हैं सो दैट वॉज ऑल टूडे थैंक यू सो मच